हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे CDR और CDRW के बीच। अब CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड CDRW मींस कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ये एक हार्डवेयर का सीडी सेलर है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो इस वाले वीडियो में हम टोटल 5 डिफरेंस देखेंगे CDR और CDRW के बीच। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, CDR कैन ओनली बी रिटन टू वंस, यानी कि CDR के अंदर हम किसी भी तरीके के फाइल को एक ही बार राइट कर सकते हैं, वो दोबारा राइटेबल नहीं होता। लेकिन वहीं अगर CDRW की बात करें तो CDRW एक रीराइटेबल डिस्क होता है, यानी कि इसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। अब जो सेकेंड डिफरेंस है, CDR डिस्क आर चीपर देन CDRW डिस्क, यानी कि जो CDR डिस्क होता है ये एक ही बार राइट हो सकता है, इसीलिए ये CDRW से थोड़ा चीपर होता है। और वहीं अगर CDRW की बात करें तो ये नॉर्मल CDR से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है, तो यहाँ पर CDR जो होता है ये मेनली हर एक डिस्क प्लेयर के साथ कंपैटिबल होता है, यानी कि जितना भी CD या तो DVD डिस्क प्लेयर्स होते हैं इनके साथ ये जो CDR होता है ये कंपैटिबल होता है, यानी कि सपोर्टेड रहता है। और वहीं अगर CDRW की बात करें तो ये लेस कंपैटिबल देन CDR, यानी कि तो ये स्पेसिफिक कुछ ही डिस्क प्लेयर को सपोर्ट करता है CDRW। अब जो फोर्थ डिफरेंस है, यहाँ पर CDR इज हाई स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी कि CDR के अंदर हमको जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं अगर CDRW की बात करें तो यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो नॉर्मल CDR के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जो फिफ्थ डिफरेंस है, यहाँ पर जो CDR होता है ये रिलायबल एक डिस्क माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें स्क्रैच ना आ जाए, तो इसके अलावा वहाँ पर कोई भी डेटा लॉस का चांसेस नहीं रहता, तो इसीलिए हमारे जो फाइल्स वगैरह होते हैं वो एक CDR के अंदर सेफ रहते हैं। और वहीं अगर CDRW की बात किया जाए तो ये मोर रिलायबल देन नॉर्मल CDR, यानी कि CDRW CDR से भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। तो ये थे 5 डिफरेंस CDR और CDRW के बीच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।